पहले हम इंस्टा के थ्रू मतलब हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर उसके बाद हमने लाइव चैट्स वीडियो कॉल्स करने लगे और बात आगे बढ़ी। 2019 में हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। 2020 में लॉकडाउन आ गया, बॉर्डर्स बंद हो गए। 2021 में भी बॉर्डर्स बंद थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिलें और कैसे आगे बढ़ाएं बात को। वीज़ा आया नहीं तो यहाँ पे आया नहीं, फिर जब यहाँ पे आया तो हमने वहाँ पे अप्लाई किया तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट दी कुछ डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस तरह से 3-4 मरतबा हमारा प्रोग्राम मतलब इसमें पूरा साल चला गया। मुझे तो लगा होगी नहीं बीच में इतनी बार पोस्टपोन हो रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, जैसे पापा ने अभी बोला वीज़ा का। फिर हम ये भी सोचते थे कि मतलब वहाँ पे जाके अरेंजमेंट कैसा होगा। तो अल्टीमेटली हम 2022 में दुबई में मिले और दुबई में हमने रिंग्स एक्सचेंज की और हमने फिर शादी का डिसाइड किया। फिर और ट्रस्ट हो गया कि चले ठीक है, अब कुछ मे भी शायद पॉसिबिलिटीज़ हो, इजीली हो जाए, हम दुबई में ही शिफ्ट हो जाएं या फिर यहीं पे ही वो आ जाएं, वहाँ से यहाँ से मैं चली जाऊँ। फिर उसके बाद ही मैंने अगेन वीज़ा अप्लाई किया, फिर भी उसके बावजूद भी हमें प्रॉब्लम्स हुई। बाईस साल से मेरी बहन आ नहीं पा रही थी, कागज़ों के थोड़ा चक्कर था ऐसा, उसका नहीं हो पा रहा था। मुश्किल से उसका हो गया और वो शादी में शरीक हुई। मगर इसकी शादी में वो बोलती है तुम्हारी बहू जो है ना उसके शुभ कदम है, तो मेरी वीज़ा भी देखो लग गई और कागज़ों के काम भी सरल हो गए, इजी हो गया।